प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने मदरसों के सर्वे पर सपा नेताओं द्वारा किए गए विरोध पर कहा कि आप देखते रहिए, कुछ समय बाद मुस्लिम ही अपने नेताओं का विरोध शुरू कर देंगे। जब लोगों को पता चल जाएगा कि योगी सरकार उनके बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए मदरसों का सर्वे कर रही है, और हाँ, अगर किसी मदरसे में कुछ गलत गतिविधियाँ पकड़ी जाती हैं तो निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। इन विरोध करने वाले नेताओं ने अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में पढ़ाया हुआ है और ये गरीब के बच्चों का विरोध कर रहे हैं। अब गरीब का बच्चा एकेडमिक भी पढ़ेगा और धर्म की शिक्षा भी लेगा और पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर भी बनेंगे। बीजेपी सरकार में बिना भेदभाव के काम होता है, और जहां तक कांग्रेस की बात है तो केवल मुस्लिमों के वोट लेती आई है बस। वही मदरसों के आतंकी संबंधों पर पूछे गए सवाल पर संजय निषाद बोले कि आप देख लीजिए कि सब कुछ आपके सामने है, मदरसों से ही ज़्यादातर आतंकी जुड़े हैं। हम लोग तो यह चाहते हैं कि कोई भी मुस्लिम बच्चा आतंक से ना जुड़े। भाजपा सरकार तो उनके मन और दिमाग में राष्ट्रवाद और देशभक्ति देखना चाहती है। संजय निषाद ने कांग्रेस की देश जोड़ो यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वो तो कांग्रेस तोड़ो मब लगे हुए हैं जो जीरो की तरफ बढ़ रही है। वहीं अखिलेश यादव को भी आड़े हाथ लेते हुए कहा कि उनका परिवार 30 साल तक सत्ता में रहा है, इसलिए वो झटपटा रहे हैं और उनके जो चंगू मंगू रहे हैं हमारी नौकरियों पर डकैती डालते रहे हैं। और जहां तक 2024 लोकसभा चुनाव की बात है तो चाहे नीतीश कुमार हों या शरद पवार, कुछ होने वाला नहीं है। तीसरी बार भी देश की जनता मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहती है। संजय निषाद आज एक दिवसीय दौरे पर मुरादाबाद पहुंचे थे और पंचायत भवन हॉल में अपने समाज के लोगों को संबोधित करने के बाद मीडिया से बात कर रहे थे। कुछ समय बाद जनता और वही उनके जनता वोटर उनका विरोध करेंगे जब उन्हें मालूम हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी सर्वे करा के उनके बच्चों को हितों की रक्षा के लिए कर रही है, उन्हें शिक्षा में IAS PCS बनाने के लिए है। वो ये सर्वे कर रही है कि मदरसे में क्या हो रहा है। अगर मदरसे में गैर कानूनी ढंग से गैर जो है संवैधानिक ढंग से कोई गतिविधियाँ शामिल है तो निश्चित रूप से उसको रोक लगाया जाएगा। जहाँ शिक्षा का स्तर अच्छा होगा वहाँ विज्ञान ज्ञान पढ़ाकर उनके बच्चों को आगे बढ़ाया जाएगा। इन नेताओं ने अपने बच्चों को एकेडमिक शिक्षा पढ़ा रखा और गरीब के बच्चे केवल धर्म पढ़ेंगे। गरीब के बच्चे धर्म भी पढ़ेंगे, एकेडमिक भी पढ़ेंगे और पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर भी बनेंगे। हमारे यहाँ बिना भेदभाव के सब काम होता है। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट कहती है कि मुसलमान सबसे ज़्यादा गरीब हैं, तो गरीब कौन बनाया है? 70 साल से ही लोग तो वोट डलवाते थे। इसका मतलब वोट डालने के बदले मुसलमानों को गरीबी देती थी कांग्रेस सपा बसपा। तो आज कम से कम कितना अनाज देंगे? गरीब अधिक वो हैं तो अनाज तो हम मोदी जी खिलाते हैं, अनाज उनका इलाज मोदी जी करते हैं, योगी जी उनका मकान बनवाते हैं। तो ये कब तक चलेगा? जब उनको हम साधन संसाधन विकास की धारा में ला देंगे तो अब आप पेपरों में देखकर लिंक वहीं मिलते हैं। हम तो नहीं का लिंक मिलते हैं और लिंक मिलना आप खुद जहाँ साबित होता आज ही देखो पेपर में छपा हुआ, हम तो छापे नहीं हैं। तो लिंक मिलता है तो ये लिंक न मिले क्यों बदनाम किया जाए मुसलमान भाई के बच्चों को? उनके दिमाग में क्यों जहर घोला जाए? उनके दिमाग में राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति, इस देश का एकता का गुण सिखाएगा। ओ राहुल गांधी है कांग्रेस तोड़ो में लगे हुए हैं। अब कांग्रेस जीरो जा रही है, जनता उन्हें जीरो बना रही है। तो राहुल गांधी चाहिए आप पार्टी जोड़ें, अपने परिवार जोड़ें और अपने कार्यकर्ता को जोड़ें, बाकी छोड़ें। बटुरे जोगी मठ उजाड़ हैं, सत्ता से दूर रहेंगे तो छटपटाहट तो रहेगी। 30 साल से रहे हैं सत्ता में, हमारे अति पिछड़ों के हकों पर हिस्सा लेते रहे हैं, उनके जो चंगू मंगू रहे हैं, हमारे नौकरियों पर डकैती डालते रहे हैं, हमारे पर खाते हैं। आखिर आज मत्स्य मंत्रालय हुआ है, 20,000 करोड़ रुपया दिल्ली सरकार ने दिए, फ्री का बीमा हुआ है, आज इनको फ्री का जो इनके पास क्रेडिट कार्ड मिला 1,60,000 बिना कोलेट्रल गारंटी के, अभी 300 करोड़ रुपया हर साल के आसपास उत्तर प्रदेश में हम दान देंगे। हम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री संपदा योजना है, निषाद राज वोटर पहली बार मछुआ कल्याण कोष देकर हमारे इन मछुआरों के बेटे को गरीबी से मुक्त कराना, उन्हें पढ़ाना है, उनको बेटों को IAS PCS बनाना है। तो ये सारा काम अगर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, इन लोगों ने नहीं किया है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसलिए मेरा समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। प्रधानमंत्री 2024 के
मैंने पहले भी एक बार कह दिया था कि भटूरे जोगी मठ उजाड़ कुछ होने वाला नहीं है, ये बस सब खिलवाड़ है। मोदी जी पुनः जिस तरीके से योगी जी आए हैं, सारे जाति धर्म के लोग तैयारी बैठे हुए, फिर से मोदी जी को गद्दी पर बैठाएंगे 2014।